चैनल वैशाली ब्लॉग्स। आज है रिपब्लिक डे एज यू नो एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। एंड इस खास मौके पे मैंने सोचा कि आज कुछ फ्रूट की रेसिपी ट्राई करूं। सो मैं आज रेसिपी जो बनाऊंगी वो है फ्रूट ट्रिफल रेसिपी, ट्राई कलर फ्रूट पडिंग जिसे बोलते हैं, एंड मैं वो ट्राई करूंगी आज। एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं ट्राई कलर फ्रूट पडिंग बनाने के लिए। मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये चार फ्रूट्स ले लिए हैं। बोल में हम कीवी और ग्रेप्स ले लेंगे। ग्रीन कलर देने के लिए मैंने कीवी और ग्रेप्स का यूज किया है। ऐड करेंगे हम एक चम्मच शुगर। हम पीसी हुई शुगर का यूज कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ले लेंगे एक ग्लास। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी कीवी और उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से ग्रेप्स। इसके लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे दो इलायची, चाहे तो पिस्ता भी यूज कर सकते हैं। मैंने ले लिया है व्हिप्ड क्रीम कोन। इसमें हम लेयरिंग करेंगे क्रीम से। इसकी मदद से हम इसे लेयरिंग कर रहे हैं। रोटेट करते हुए इसे अच्छे से लेयरिंग करें। लेयरिंग हमारी तैयार हो गई है। डालेंगे इसमें थोड़े से बनाना पीसेस। थोड़ा इसे प्रेस कर दें। डाल रही हूँ इसमें थोड़े काजू के टुकड़े। कटिंग करने के लिए मैं फिर से क्रीम का यूज कर रही हूँ। रोटेट करते हुए हम इसकी लेयरिंग करेंगे, सेकेंड लेयरिंग। अच्छे से लेयरिंग दें। सेकेंड लेयरिंग हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कर रही हूँ कुछ पीसेस ऑरेंज के, इसे अच्छे से इस पर लगा देंगे। कुछ कलर के लिए मैंने कुछ ऑरेंज पीसेस लिए हैं। इसे अच्छे से प्लेट कर देंगे। एंड अब मैं थर्ड लेयरिंग करूंगी। और
एंड थर्ड लेयरिंग भी हो गई है तैयार। इसे गार्निश करने के लिए मैंने यूज किया है कुछ टूटी फ्रूटी, इसे और भी ज्यादा यम्मी लुक देगी। आप कलरफुल टूटी फ्रूटी का भी यूज कर सकते हैं। Now you can see it's all ready. So guys, it's so easy. आप भी घर पर अपने बना सकते हैं बहुत ही easily. And अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी है तो इसे like और share करना मत भूले। Subscribe करें मेरे channel को वैशाली ब्लॉग्स। And मिलूंगी आगे आपको कुछ नई रेसिपीज के साथ। एंड चलते चलते हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।